हाउ टू फिक्स वीवो Y30 फेल टू सेंड मैसेज प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकी राज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर एक एरर देख सकते हैं मैसेज का, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हो क्या रहा है, मैसेज नॉट सेंड और मैसेज फेल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपको भी इस तरह का कोई इश्यू हो रहा है, किसी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, आपका मैसेज जो है वो नहीं जा रहा है, मैसेज में प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो कैसे आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जैसे ही मैसेज सेंड करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे आ जाते हैं मैसेज नॉट सेंड का प्रॉब्लम। तो आ रहा है किस वजह से, वो भी मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ यहाँ पर, और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर सॉल्यूशन क्या क्या करना होगा उसका भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पर देख लीजिए और अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर करना क्या होगा, ठीक है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैसेज फेल क्यों होते हैं। कभी कभी दोस्तों मैसेज का बैलेंस नहीं होने की वजह से भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैसेज का बैलेंस चेक करना होगा, कम से कम आपके फ़ोन पे 1 रुपीज़ होना चाहिए एक मैसेज सेंड करने के लिए, ठीक है। यदि वो नहीं है फेल हो जाएगा मैसेज, यदि वो है आपके पास तो दोस्तों आप जो भी नंबर को मैसेज कर रहे हैं वो नंबर यहाँ पर वैलिड होना चाहिए, ठीक है। आप यदि दोस्तों किसी ऐसे बंदे को कॉल कर ऐसे बंदे को मैसेज कर रहे हैं जो उसका नंबर है आपने गलत लिखा हुआ है अपने फ़ोन पर, तो आप जाके दोस्तों डबल चेक करें उस नंबर को, यदि वो नंबर ही गलत है तो भी मैसेज फेल हो जाएगा। इनवैलिड नंबर पर मैसेज कभी नहीं जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाते हैं, आप जो भी बंदे को मैसेज कर रहा है, ठीक है, उसका सिम जो है डीएक्टिवेट हो जाते हैं, या तो फिर वो सिम को पूरा जो है निकाल के बाहर में रखा हुआ है, आप दोस्तों यहाँ पर मैसेज करते जा रहा है और मैसेज यहाँ पर फेल होते जा रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकते हैं, ठीक है। यदि वो जो है अपने सिम को यूज़ नहीं कर रहे तो भी दोस्तों आपका मैसेज फेल हो सकते हैं, तो आपको ये सारे बातें ध्यान पे रखना है, ठीक है। तो इन सब से मैसेज फेल होते रहते हैं। और दोस्तों एक और रीज़न है, वो है ब्लॉकिंग का रीज़न। यदि आप जो भी बंदे को यहाँ पर कॉल और मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो बार बार यहाँ पर कॉल आ रहे हैं, तो आप दोस्तों जो भी बंदे को मैसेज कर रहे हैं यदि वो आपको ब्लॉक कर देता है तो भी दोस्तों मैसेज फेल हो जाते हैं, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों यदि आप जो है एक ही बंदे को मैसेज कर रहे हैं तो ऐसा भी मत कीजिएगा, आप दो यहाँ पर दोस्तों 3-4 लोगों को मैसेज करके देखिए, ठीक है, तो एक ना एक को तो मैसेज जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये नोटिस करना होगा, ठीक है, यदि आप जो नंबर पे मैसेज कर रहे हैं सिर्फ उसी पे नहीं जा रहा है, तो यानी कि आपको उसने ब्लॉक कर दिया हो सकते हैं, या तो फिर आप सभी नंबर पे मैसेज नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर आपका मैसेजिंग पे प्रॉब्लम है, उसको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारा रीज़न बता दिया है मैसेज फेल क्यों होते हैं, तो अभी सॉल्यूशन के बारे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है, और दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, डुअल सिम में नेटवर्क पर जाके सिम को ओपन करें, जिस भी सिम से आप यहाँ पर मैसेज सेंड करें, और आपका जो नेटवर्क मोड है उसको ओपन करके नेटवर्क को एक बार स्विच करके देखिए, ठीक है। नेटवर्क को बिटवीन 2G, 4G, 3G के बिटवीन एक बार स्विच कीजिए, ताकि आपका जो नेटवर्क है वो रिफ़्रेश हो जाए। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको यहाँ सिस्टम मैनेजमेंट पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आके बैकअप एंड रीसेट को ओपन करके नीचे आपको क्लिक करना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर। तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको अपना जो सिम है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, सिम 1, सिम 2, और रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके अपना जो फ़ोन का पासवर्ड है उसको दे देना है। वो करने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से नीचे में रीसेट सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, रीसेट सेटिंग कर लीजिएगा। जैसे आप रीसेट सेटिंग करोगे बैक कर लीजिए, बैक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पर आ जाना है, और नीचे आके आपको एप्लीकेशन एंड परमिशन को ओपन करना है। उसके बाद जाना है आपको ऐप मैनेजर पर,
ऐप मैनेजर पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दोबारा से सर्च करना होगा आपका मैसेजिंग, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपका जो मैसेजेस है, ठीक है, मैसेजेस उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद फोर्स स्टॉप यहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। तो मैप ओपन हो गया, यहाँ पर हमको ओपन करना है मैसेज, फोर्स स्टॉप करके ओके पर क्लिक कीजिए। इंटरनल स्टोरेज पर जाइए, यहाँ पर क्लियर डेटा करने का ऑप्शन नहीं है तो हमें करना होगा क्लियर कैश, ठीक है। ये करने के बाद आप सिंपली बैक कर लीजिए, बैक करने के बाद डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कीजिए। डिवाइस रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों एक बार चेक करके देखिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों मैसेज फेल का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बाय एनी चांस कोई दिक्कत आ जाता है तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल करके पूछ सकते हैं, यानी कि आपका जो कस्टमर केयर है उनको कॉल करके आप पूछ सकते हैं। वाइन नेट पर यदि आप कॉल लगाओगे तो आप उनको बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।